टेडी बियर, और इसके पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 15 जो मैं आपको अभी यहाँ दिखा रही हूँ। पेज नंबर 8 ये है आपका बेटा, और आपका पेज नंबर 15 है टेडी बियर, ये है आपका पेज नंबर 15। तो ये दोनों पेज बेटा हम आज करेंगे, तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पेज नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 8 में क्या दिया है बेटा, आपका फिंगर इम्प्रेशन लेना है हमने, ठीक है। मेक फिंगर इम्प्रेशन ऑन द फिश, ये फिश आपको दी हुई है, उसमें हमने अपनी फिंगर से इम्प्रेशन करके इसका सारा कंप्लीट करना है पैटर्न। तो कौन कौन से कलर लिए हैं, येलो है, रेड है और ब्लू है। तो इस तरीके से बेटा आप 3 कलर्स ये अपने निकाल लेंगे प्लेट में, कोई छोटी आपकी प्लास्टिक की प्लेट हो घर में पुरानी हो उसमें भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और क्या चाहिए हमें, एक हमें क्लॉथ चाहिए वेस्ट हाथ साफ करने के लिए, और पानी चाहिए एक बाउल में हमें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेड कलर लेते हैं और उसमें अपनी फिंगर इस तरीके से टच करेंगे, और फिर फिंगर से हम यहाँ पर इम्प्रेशन बनाना शुरू करेंगे जो फिश का इधर वाला पार्ट है। ये देख रहे हैं बेटा आप, इस तरीके से इम्प्रेशन आएंगे फिश में, बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे आप करेंगे। जब भी आपकी फिंगर ड्राई हो जाती है तो आपने नेक्स्ट टाइम कलर फिर से ले लेना है थोड़ा सा। ये इस तरीके से इसका इधर हो गया बेटा, बॉडी में हो गया। अब हाथ हम अपनी फिंगर थोड़ी सी वॉश कर लेंगे पानी के साथ, और उसके बाद इस क्लॉथ से साफ करके अब हम कौन सा कलर लेंगे, अब हम इसका ये वाला जो फेस वाला एरिया है यहाँ पर येलो कलर से करेंगे। आईज को कवर नहीं करना है, उसकी आंख जो दी हुई है उसे हमने कवर नहीं करना है, उसका ध्यान रखना है। ये इस तरीके से बेटा अब इसका फेस भी हो गया येलो। अब हमने इसके फेस और पूंछ बनानी है, वो कौन सा कलर लिया हमने, ब्लू लिया। ब्लू कलर से करेंगे अब हम यहाँ। अब इसमें आप क्योंकि ये छोटा स्पेस है तो आप फिंगर को पूरा ना रख के ये सिर्फ इसकी टिप वाला जो पार्ट है उसको यहाँ पर ऐसे टच करके इस तरीके से ऐसे कर लेंगे, जहां पर छोटा स्पेस है वहां आपकी पूरी फिंगर नहीं आएगी। आप चाहें तो इसको अलग से रफ पेपर पे फिश को ड्रॉ करके और पहले फिंगर इम्प्रेशन लेकर उसमें ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप अच्छी तरीके से कर ले तब आप इसमें अपनी बुक के अंदर काम करिए, जिससे आपकी बुक का पेज भी खराब नहीं होगा और आपको काम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये देखिए बेटा क्लास आपका हो गया, ये फिश वाला बिल्कुल पूरा कंप्लीट, और देखने में भी आपकी फिश कितनी सुंदर लग रही है। अब आपने क्या करना है, जैसे ये है यहाँ पर आपका जो दब गया है कलर के साथ, उसको आप लाइन को फिर से ब्लैक स्केच के साथ ठीक कर देंगे।
और तो बाकी ठीक ही है। अगर कोई लाइन आपकी रह गई है तो आप इस पे इस तरीके से ऐसे उसको करके आउटलाइन कर सकते हैं दोबारा से स्केच पेन के साथ। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको अपना ये पेज करना है बेटा। स्टूडेंट्स पेज नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है इसमें बेटा, इसमें टेडी बियर की पिक्चर दी हुई है। उसमें क्या करना है, हमने थंब इम्प्रेशन लेना है और यहाँ पर हमने कलरिंग करनी है। जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है हाफ कलर किया हुआ है, ग्रास बनी हुई है, उसी तरह से पहले आपने बेस में सारा येलो कलर करना है और येलो कलर करने के बाद आपको ग्रास ग्रीन कलर से इस तरीके से ऐसे जिगजैग करके ऐसे ऐसे इधर सारे में ग्रास बना देना है। और जब ये आपका हो जाए कलरिंग का, उसके बाद हमने फिर इस टेडी बियर में क्या लेना है, थंब से इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन का पहले भी आपको बताया है मैंने, जैसे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, थंब पर हमने ब्रश से कलर लगाना है या स्पंज या कॉटन, किसी भी चीज से आप इसमें थंब में कलर लगा सकते हैं। आप इस तरीके से प्लेट में कलर निकाल लीजिए, कोई भी पुरानी आपके पास ओल्ड प्लास्टिक की प्लेट हो उसमें थोड़े थोड़े कलर्स निकालेंगे, ज्यादा नहीं निकालने हैं, जरा जरा से। और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसके फेस में और ये दोनों जो इसके हैंड है इसमें ब्लू कलर। जहां पर कम स्पेस है बेटा वहां पर आप थोड़ा सा धीरे से हल्का सा सिर्फ ऊपर का टिप लगाएंगे थंब का, पूरा थंब नहीं रखेंगे। इस तरीके से ये हो गया। अब ये वाला पार्ट है इसका जो फेस वाला, वहां पर लेना है हमने ब्लू कलर। इस तरीके से आ गया ये। और अब क्या है, अब हमने करना है इसके ईयर्स में हम रेड कर देंगे। और इसकी जो ये है टाई, वो इसमें भी हम यहां दिखाया ना रेड कलर, रेड कलर से कर लेंगे। अब क्या हो गया हमारा यहां पर, इसका इस वाले पार्ट में कौन सा कलर दिया बेटा, येलो कलर दिया है, तो अब हम इसमें येलो कलर से करेंगे। येलो कलर लगाएंगे थंब पर। देख रहे हैं सभी बच्चे ध्यान से बेटा, तो इसकी बॉडी हमने यहां पर येलो कर दी। अब हम इसके लेग्स में करेंगे, ये वाले पार्ट में ग्रीन और यहां पर येलो। ये इसकी बो में यहां बीच में रह गया, यहां पर भी रेड करना है। पहले रेड कर ले हम इसके नीचे पैर के यहां पर। ये इधर हो गया पैर में। अब हमारा ये रह गया बस, इसमें हम ग्रीन कलर करेंगे।
ग्रीन कलर से लेंगे बेटा इंप्रेशन। तो ये इस तरीके से हमारा सारा थंब इंप्रेशन का काम हो जाएगा। जहां पर लास्ट में आपको लग रहा है थोड़ा बहुत बच रहा है, जैसे यहाँ पर व्हाइट दिख रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे टिप पे जरा जरा सा कलर लगा के उसको ऐसे फिल कर सकते हैं। ये सारा ऐसे हो जाएगा बेटा। कलरिंग आपने करनी है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर करना है आपने थंब से इम्प्रेशन, और उसके बाद आपका ये पेज कम्प्लीट हो जाएगा। जहां पर आईज वगैरह आपको लग रहा है अगर उसके ऊपर आपका कलर आ गया है, तो आप उसको स्केच से दोबारा से आईज को ऐसे डार्क कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये सारे आप इसको जो लाइन्स हैं इनको दोबारा से डार्क कर सकते हैं। और इस तरीके से बेटा ये आपका पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी बच्चे बहुत सुंदर से अच्छी तरीके से इम्प्रेशन लेंगे और अपने हाथों की सफाई का भी ध्यान रखेंगे। ओके।